Hello everyone, I welcome you all to my channel, and in this video we are having the part 7 of our chapter IR spectroscopy. और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे applications of IR spectroscopy. ये छोटी सी वीडियो में पहली एप्लीकेशन रहेगी आइडेंटिफिकेशन ऑफ सब्सटेंसेस. अब IR स्पेक्ट्रम जो है उससे हमें आइडेंटिफाई करने मतलब पता हेल्प मिलती है कि दो सब्सटेंसेस जो अगर है हमारे पास वो आइडेंटिकल है या नहीं है. मीन्स वो दोनों सब्सटेंसेस सेम है या डिफरेंट है. अब दो कंपाउंड जो डिफरेंट कंपाउंड सेम स्पेक्ट्रम प्रोड्यूस करें उसकी प्रोबेबिलिटी तो हमारे पास जीरो रहती है. मीन्स हमेशा दो अलग अलग सैंपल्स अलग अलग ही स्पेक्ट्रम प्रोड्यूस करते हैं. और नोट करने वाली बात क्या है कि उनकी फिजिकल स्टेट्स और सॉल्वेंट्स यूज्ड और कंसंट्रेशन जो है सॉल्यूशंस की वो हमेशा सेम रखनी चाहिए. बिकॉज अगर एक सब्सटेंस की डिफरेंट फिजिकल कंडीशंस हैं तो उसका एक डिफरेंट स्पेक्ट्रा भी हमारे पास आ सकता है. सो हमेशा फिजिकल कंडीशंस होती हैं वो हमें सेम रखनी चाहिए, राइट. और ये बात नोट करने वाली है कि अगर जो हमारे पास इनेंशियोमेरिक कंपाउंड्स हैं तो उनके इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम जो होते हैं वो एग्जैक्टली आइडेंटिकल रहेंगे, राइट. मींस एक ड्रॉबैक है हमारी आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी का, दैट इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी फेल्स टू डिस्टिंग्विश बिटवीन इनेंशियोमर्स. इसको इनेंशियोमर्स के बारे में पता नहीं लगता. सो दैट वाज द फर्स्ट एप्लीकेशन. अब सेकंड है टू डिटरमिन द फंक्शनल ग्रुप एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर. फंक्शनल ग्रुप डिटरमिन करने में अभी सारी आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में हमने फंक्शनल ग्रुप से डिटरमिन करे. इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी से हमें मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर पता लगता है. फ्रॉम एग्जामिनेशन ऑफ पोजिशन ऑफ एब्जॉर्प्शन बैंड्स. अब हमने पिछली तीन वीडियोज में एब्जॉर्प्शन बैंड्स को की पोजिशन ही देखी है. सो आप वो वीडियो जाके वॉच कर सकते हैं. एंड इसी में पता लग जाता है कि कौन से ग्रुप्स हैं एक मॉलिक्यूल में जो कि प्रेजेंट है इन द मॉलिक्यूल, राइट. अगर हम एग्जाम्पल देखें, अब स्पेक्ट्रोस्कोपी में स्पेक्ट्रम में हमारे पास एक 5.8 माइक्रोमीटर का या फिर 1.7 सेंटीमीटर इनवर्स का एक बैंड आ रहा है, स्ट्रॉन्ग बैंड. तो ये हमें कार्बोनल ग्रुप इंडिकेट करेगा. मतलब ये जो इन्फॉर्मेशन है अदर बैंड्स के देखा जाए, अदर बैंड के साथ जो होता है, ये हमें इन्फॉर्मेशन बताती है कि एक कंपाउंड में वो फंक्शनल ग्रुप है या नहीं है. मीन्स इफ अ स्पेक्ट्रम डज नॉट कंटेन एन एब्जॉर्प्शन बैंड ऑफ पर्टिकुलर फंक्शनल ग्रुप, दिस सब्सटेंस डज नॉट कंटेन दैट ग्रुप. मीन्स हमने नेगेटिव एविडेंस के बारे में पढ़ा था कि अगर एक कंपाउंड में एक एब्जॉर्प्शन बैंड नहीं है एक पर्टिकुलर फंक्शनल ग्रुप का, तो उससे हमें पता चलता है कि सब्सटेंस में वो ग्रुप नहीं होगा. अब थर्ड एप्लीकेशन है टू स्टडी द प्रोग्रेस ऑफ अ रिएक्शन, राइट. तो जैसे रेट ऑफ डिसअपीयरेंस या रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ अ ग्रुप, ये हमें बताती है कि एक रिएक्शन की प्रोग्रेस कितनी हो रही है. फॉर एग्जाम्पल, अब पहले एक कंपाउंड था हमारे पास, उसमें OH ग्रुप था, उसकी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी अगर आई आर स्पेक्ट्रम में बाद में डिसअपियर होगी, इसका मतलब वो कंपाउंड में रिएक्शन हो रही है और उसकी ग्रेजुअल अपीयरेंस हो रही है CO स्ट्रेचिंग की, राइट. तो हमें पता लगता है कि एक OH बॉन्ड जो है वो CO बॉन्ड में चेंज हो गया. मतलब उसकी ऑक्सीडेशन रिएक्शन हम स्टडी कर सकते हैं कि वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन कितनी स्पीड पर चल रही है, राइट. सो ये हमें इसकी बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है टू स्टडी दी प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन. मीन्स एक रिएक्शन हो रही है या नहीं हो रही वो हम आईआर स्पेक्ट्रम को देख के जज कर सकते हैं. सेकेंड लास्ट इज डिटेक्शन ऑफ इम्प्योरिटीज. अब एक गिवन कंपाउंड या सैंपल प्योर है या नहीं प्योर, उसको हम देख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ आईआर स्पेक्ट्रम, राइट. एक प्योर कंपाउंड में स्पेक्ट्रम जो होता है वो बिल्कुल शार्प होता है, पर लेकिन इम्प्योर कंपाउंड का स्पेक्ट्रम हमेशा ब्लर होता है. सो इम्प्योर कंपाउंड के स्पेक्ट्रम में बहुत सारे एक्स्ट्रा बैंड्स होते हैं, इसलिए वो ब्लर होता है, राइट. एंड जैसे कीटोन एज ए इम्प्योरिटी इन अल्कोहल लीड्स टू पुअर स्पेक्ट्रम, तो पुअर स्पेक्ट्रम से हमें पता जाता है कि वो कंपाउंड में इम्प्योरिटीज प्रेजेंट है. सो दैट वॉज ऑल अबाउट द एप्लीकेशन ऑफ आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी. द नेक्स्ट वीडियो विल डिस्कस अबाउट द एग्जाम्पल्स. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग. थैंक यू सो मच.